सब्सक्राइब करें सीके टेक्निकल चैनल को और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, स्वागत है आपका सीके टेक्निकल चैनल पे और आज की इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी प्रोमो कोड के बारे में बताने वाला हूँ जो पेटीएम की तरफ से पता नहीं हाइड करके रखा हुआ, एक ऐसी प्रोमो कोड जो हाइड किया हुआ पेटीएम की तरफ से, ठीक है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको उस प्रोमो कोड के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे ये प्रोमो कोड आपके अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। सो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पेटीएम अकाउंट जो है इसको ओपन कर लेना। जैसे देख सकते हैं मैंने आपका पेटीएम अकाउंट जो है ओपन कर लिया अपना, ठीक है। सो जब तक ये ओपन होता है, जैसे आपका पेटीएम अकाउंट ओपन हो जाता है आपको यहाँ पर जाना है मोर पे, ठीक है। मोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना फी एफ डबल ई बोल के सर्च करना, ठीक है। जैसे आप फी सर्च करते हैं आपके सामने ये जो ऑप्शन आता है ये पर आएगा, इस फी पे आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके बाद का जो आपका स्टेप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, यहाँ पे आपको ऑल इंडिया जो है सेलेक्ट कर लेना अगर आपको नहीं है तो, जैसे मेरा यहाँ पे पहले ही आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंडस्ट्री है, ठीक है, सॉरी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर जाना है, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सर्च में ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर लिखना बी वाई, ठीक है। बी वाई जैसे लिखते हैं आप देख सकते हैं ये वाला आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह आपका पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे करना है इतना ही, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स एंड अमाउंट, ये सब डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम और कोर्स और अमाउंट जो है लिख देना, ठीक है। चलिए जो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। सो गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सारा डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। ये डिटेल्स मैंने अपने यूँ भी कुछ भी नाम और एड्रेस लिख दिया हूँ, ठीक है। नाम सॉरी एड्रेस यहाँ पे नहीं है, नाम और अपना फादर नेम, आईआईटी कोर्स जो है कुछ भी यहाँ पे मैंने डिटेल्स पर लिख लिया है, ठीक है। सो आपको बस करना इतना ही था, आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, ओके। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे आप कुछ भी डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट में 50 रुपीज़ लिखना और पॉजिटिव करना। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ 50 रुपये तो पे करने बोल रहे हो, जी नहीं, बिल्कुल आपको पे नहीं करना, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। जैसे मैंने पॉजिटिव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हैव ए प्रोमो कोड सेक्शन पे जाना है, ठीक है। हैव ए प्रोमो कोड पे आपको प्रोमो कोड मस्ट है, आपको अप्लाई करना है। तो हैव ए प्रोमो कोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फी वाला प्रोमो कोड है इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो फी वाला प्रोमो कोड इसको आप अप्लाई करते हैं, देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो आपको इसमें करना इतना ही है, देख सकते हैं आप सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पे करना, आपको बस पेमेंट करना नहीं है, बस आपको पेमेंट के पेज में जाना है, ठीक है। याद रखिएगा आपको पेमेंट करना नहीं है और यहाँ पे जो ऑप्शन है जो वॉलेट है ये, ठीक है, यहाँ पे ये सब आपको करना कुछ नहीं। आपको यहाँ पे जो यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। याद रखिएगा यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। सो जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। सो यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो यूपीआई है वो आपको एंटर कर देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से अपना यूपीआई जो है इसको, सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने अपना यूपीआई उसको एंटर कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ जो मेरा यूपीआई उसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, पे टू सिक्योर करना। याद रखिएगा आपको पे नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते जाना है, ठीक है। सो आप जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे टू सिक्योर में क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा थोड़ा लोडिंग वोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग वोडिंग लेने के बाद ये जो मेरा पे क्लिक होगा, ठीक है। देख सकते थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, इसलिए थोड़ा ये सोचता स्लो है। चलिए वेट कर लेते तब तक ये पेमेंट में होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं शायद यहाँ पे मेरा यूपीआई रॉन्ग बता रहा था, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो यूपीआई अपना फिल कर लिया, ठीक है। तो यूपीआई फिल करने के बाद बस आपको यहाँ पे इतना सा करना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टाइम कर रहा है, ठीक है, टाइम कम हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने के बाद आपको जस्ट बैक हो जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पर एक बैक का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पर एक बैक का ऑप्शन जो यहाँ पर आपका शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस बस से बैक कर लेना, जिससे आप यहाँ पे बैक कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फटाक से आपको बैक कर लेना। बैक करने के बाद आपको यहाँ से पूरा बैक हो जाना। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रिचार्ज पे चले जाना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे रिचार्ज पे चले जाना। रिचार्ज पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका जियो नंबर या कुछ भी नंबर उसको इंटर करना। इंटर करने के बाद अमाउंट पर 20 लिखना। 20 लिखने के बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना। प्रोसेस टू पे पे क्लिक करने के बाद हैव ए प्रोमो कोड पर आपको आना और हैव ए प्रोमो कोड पर आपको जो यहाँ पर लिखना है रिचार्ज 200 लिखने के बाद आपको उसको अप्लाई कर देना। देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप सक्सेसफुली अप्लाई होने के बाद यहाँ पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट टू प्रोसीड ले रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुली जो पेमेंट है वो हो चुका है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आपके सामने मुझे 20 रुपये का जो कैशबैक है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण रिचार्ज जो है सक्सेसफुली सक्सेस हो चुका है मेरे जियो के नंबर पर, ठीक है। अभी मैं आपका इसके पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ, मुझे कैशबैक मिला या नहीं मिला, ठीक है। सो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पर मैं पासबुक पर अपना ओपन कर लेता हूँ। पासबुक ओपन करने के बाद सब देख सकते हैं यहाँ से मैंने अपना पासबुक जो है उसको सक्सेसफुली ओपन कर लिया है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा पेमेंट है 31 रुपये 43 पैसे पहले का ही था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैशबैक है 20 रुपये का रिसीव हुआ है। प्रोमो कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्ज 200, ठीक है। ये प्रोमो कोड सक्सेसफुली अप्लाई होकर मुझे 20 कैशबैक जो है रिसीव हो चुका है, ठीक है। सो गाइस आपको जो स्टेप बताया गया आप उसको उसको फॉलो कीजिएगा, बस आपको 100% पर आईडी पे आपको जो 20 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है, और आप कोई भी नंबर पे रिचार्ज कर सकते हैं, एक नंबर पे आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।